ये सरकार किसान का कोई ध्यान नहीं देती है। तुम जो वादे करके सत्ता में आए थे कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, इनसे पूछो, नहीं खाद पे, बीज पे, दवाई पे सबकी कीमतें बढ़ा दिए हैं। जिनके हाथों को रोजगार मिलेगा ना, वो रामराज मानना। हिंदू राष्ट्र किसान को तो अपनी फसल के दाम चाहिए। उस हिटलर की लाइन पे चल रहे हो जिन्होंने सैकड़ों मुर्गियों के पंख खाल लिए थे, सारे 700 किसान शहीद कर दिए हैं, और काले कानून तब हुआ किस लिए? ऐसा जवाब देंगे 2024 में, उसका ऐसा जवाब देंगे कि उसको याद आ जाएगी जनता ही। दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, कभी रामलीला, कभी जंतर मंतर, हर एक जगह लगातार अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग मांगने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, किसान लोग, और अपनी मांग लगातार मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि सारी मांगे पूरी हो गई है, काले कानून वापस ले लिए गए, तो फिर आप क्यों यहाँ पे? कौन सी मांग पूरी होगी आप बताइए मुझे। काले कानून वापस कर लिए। अबे काले कानून तो वो जो बनाए थे उनको वापस लेना जरूरी था। उत्तर प्रदेश में तो उनका काला मुंह होता, जिन्होंने काले कानून बनाए थे उनका काला मुंह होता, वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने पहले ही ले लिए वापस। इन्होंने किया क्या? इनसे जो सवाल कर रही है जनता, तुम जो वादे करके सत्ता में आए थे कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, इनसे पूछो, आपने खाद पे, बीज पे, दवाई पे सबकी कीमतें बढ़ा दिए हैं। जितने भी किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब आपने महंगे कर दिए हैं, और किसान की जो फसल है उसमें आप तो उस किसान को एक जुआरी बनाना चाहते हो। पिछली साल आपने सरसों का भाव रखा था, अब की बार आधा है, क्यों? किसान का माल जो है जुए का हो गया क्या? पोसाई को ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में किसानों की जो कर्ज है वो माफ भी किया गया। अरे बाबा, आप मुझे एक बात बताओ, आप बिजली के बिल माफ कर दो लेकिन फसल के दाम नहीं बढ़ाओ, क्या होगा? आप 1 रुपया किसान को गन्ने पे दे रहे हो, करोगे क्या? रोजगार भी तो दे रही है सरकार। और रोजगार देना सरकार का काम क्या है? रोजगार भी देना, व्यापार भी देना, रामराज भी तो दे रही है। रामराज किसका? रामराज भाई, रामराज में खुश नहीं है आप? सबका साथ सबका विकास हो रहा है बाबा। रामराज जब ये, जब सब आदमी पेट भर के खाना खाए, सबको काम मिले, जबके हाथों में, जिनके हाथों को रोजगार मिलेगा ना, वो रामराज मानना। चीनी को रामराज नहीं कहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र किसान को तो अपनी फसल के दाम चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्या मतलब है? मुझे एक बात बताइए, हिंदू भी, मुसलमान भी, सरदार भी, ईसाई भी इस देश में रह रहा है ना, अभी बिना राष्ट्र रह रहा है ना, क्या हो गया भाई? अगर होता तो जो आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो शायद पहले ही मर गए होते, उनको मार दिया गया होता। यानी सब कुछ ठीक था तभी तो आप बात कर रहे हो। और फिर अगर हिंदू राष्ट्र से सबकी कायापलट हो रही हो, मजदूर को रोजगार मिल रहा हो, उसकी तनख्वाहें बढ़ रही हो, सरकारी नौकरी बढ़ रही हो, किसान की आय दुगनी हो रही हो, उसको फसल का दाम सही समय पे मिल जा रहा हो, तो फिर ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र नहीं, आप कोई सा राष्ट्र बनाओ तो सही। आपने अभी, मैंने आपका भाषण सुना, आपने बोला कि मोदी जो है नोटों की राजनीति। सीधी सी बात है भाई, आप मुझे बताइए, किसान और दुकान के बीच में आपको फर्क नजर नहीं आता? दुकान किन की है? दुकान उन्हीं की है जो उद्योग चलाते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनकी दुकान है और किसान का माल है। आप किसान के माल को देले धड़ी खरीदोगे और दुकान पे जाने के बाद में आसमान में छू रहे हैं उसके भाव, तो ये अन्याय नहीं है किसान के साथ में? आपको कानून क्यों नहीं बनाया जाएगा? आपको कम से कम एक बैलेंस बना के तो चलना होगा। लगातार आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला ग्राउंड, एक साल पहले भी, एक साल तक आप लोग धरने पे थे, तो क्यों नहीं सरकार सुन रही है? जबकि सरकार दूसरी तरफ कहती है कि किसान जो है हमारे लिए सर्वप्रथम आते हैं, तो क्या वजह है जो सरकार नहीं सुन रही? ये सरकार किसान का कोई ध्यान नहीं देती है।
किसका ध्यान दे रही है? ये तो सिर्फ व्यापारियों का, उद्योगपतियों का ध्यान दे रही है, बाकी किसान, नवयुवक, गरीब मजदूरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनता को हिंदू राज चाहिए, राम राज चाहिए। नहीं, इससे क्या मैं लेना देना है? किसान भाई को तो किसान का मतलब फसल का पैसा चाहिए, हिंदू राष्ट्र सब क्या मतलब? राम मंदिर बनाने, मुझे एक बात बताओ, किसान ने, मजदूर ने, देश की सीमा पे जो रक्षा कर रहा किसान, वो जवान किसान का ही बेटा, कभी कहा उनको हमको हिंदू राष्ट्र बनाओ तब रक्षा करेंगे देश की? राम मंदिर तो बोला था। अरे बाबा, राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, उसमें कौन सी बुरी बात है? राम मंदिर पहले भी था, अब बड़ा बन गया, राम का नाम पहले भी लेते थे, अब हम जिस जोश से ले रहे हैं, जो हम लोगों को डराने के लिए ले रहे हैं, पहले तो नहीं तो राम राम भजो और भाई अपना काम करो। राम मंदिर से किसान का तो कोई फायदा होगा नहीं। किसका फायदा होगा राम मंदिर? ये राम मंदिर से तो वहाँ उनके आदमियों का है, उनके सामाजिक जो विशेषकर इस ग्रुप से हैं, बाकी जनता का तो मतलब ब्राह्मण बोल ब्राह्मण राम मन से क्या है उससे? राम मंदिर से किसको है फायदा? किसको? किसी को मतलब वो कोई नहीं, वहाँ की जनता क्या करेगी, यहाँ की जनता थोड़ी जाएगी। भाई हम राम मंदिर पे चर्चा करने को ही आए हैं, थोड़ी पहुँच जाएगी। हमारा झगड़ा ये है, जनता खुश है, जनता खुश है प्रधानमंत्री से। आप तो हमें ये कहो कि भाई आपकी MSP के लिए ये जो मीडिया है ये लड़ाई लड़ेगा सरकार से? वो तो लड़ ही रहा है, लेकिन जब जनता एक तरफ खुश है कि सारे प्रधानमंत्री धारा 300, जनता कोई खुश नहीं, जनता खुश है। मैं बताती हूँ आपको, धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र और महिलाएं सुरक्षित है, और 80 करोड़ लोगों को राशन जो दे रहे हैं सरकार। कहां दे रही है 80 करोड़ को? कहां दे रही है? नहीं नहीं, जरूरत क्या है 80 करोड़ को राशन देने की? साहब आप अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, नहीं आप देखो कि 125 करोड़ का देश है, 140 करोड़ का देश है, उसमें आप 85 करोड़ लोगों को आप ये कह रहे हैं मुफ्त राशन बांट रहे हैं, क्यों दुनिया में हमारी थूतू करवा रहे हो भाई? इसका मतलब 85 करोड़ लोग यहाँ भुखमरी का शिकार है और सरकार की उस 5 किलो राशन के मोहताज हो गया है वो? आप क्या बनाना चाहते हो? आप उस हिटलर की लाइन पे चल रहे हो जिन्होंने सैकड़ों मुर्गियों के पंख खाल लिए थे, अब दाना फेंकता था उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, वो दुनिया को बता रहा था कि देखो इन मुर्गियों को देखो, ये मुझ पे ही आधारित है, तो हम तो मुर्गी से भी बुरे बना दिए इसने, 5 किलो दाना दे करके और ये हमें मुर्गी से भी बुरा बना रहा। आप बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में हमारा थू-थू करा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मीडिया रिपोर्ट्स और टीवी चैनल्स वाले दिखाते हैं कि कैसा जो भारत जो है विश्व पटल पे नाम रोशन कर रहा है। मेरी बात सुनिए, पूरा विश्व भारत की तरफ इसलिए देख रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कहता है कि भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनेगा, इसीलिए देख रहा है। तो अर्थव्यवस्था बनेगा उस समय विश्व की नज़र हमारे ऊपर नहीं है कि यहाँ मुफ्त में खाने वालों की लाइन कितनी है? हम वहाँ पूरी विश्व में ये कह रहे हैं साहब, हमारे यहाँ 85 करोड़ लोग जो है मुफ्त में खाने वाले हैं, हम अर्थव्यवस्था बन गए 5वीं, हमारा नंबर कहाँ होगा? आप आकलन लगाइए, जब हम विश्व को ये संकेत दें कि हमारे यहाँ मुफ्त में खाने वालों की संख्या 5-7 लाख ही है, तब तो बात बन गई। लेकिन हम उनको कह रहे हैं ये, मैं उनकी नज़रों में हो सकता है कि ये विश्व गुरु बनने के लिए राशन बांटना बहुत एक अच्छी पद्धति है, मेरी नज़रों में ये है कि आप 85 करोड़ लोगों को रोज़गार दे करके ये कहते कि हिंदुस्तान में 85 करोड़ लोगों को इस सरकार ने रोज़गार दिया है, तो हम बिल्कुल विश्व गुरु बन जाते और हमारी बात से आप नकार रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो समझ सकते हैं कि विश्व से हमारा जो संबंध है विदेशों से मजबूत हो रहा है? नहीं नहीं, खराब कब था? खराब कब था? मुझे एक बात बताओ, खराब कब था? जो देश किसी देश पर आक्रमण करेगा, देश के साथ में कोई धोखा करेगा, उसके एग्रीमेंट को तोड़ेगा, वो देश उससे लड़ेगा? क्या हिंदुस्तान नहीं लड़ेगा किसी से? तो नहीं लड़ेगा, लड़ेगा। और जहाँ तक बात है मजबूती की, तो आप मुझे बताइए, चीन जो है वो आपके दरवाजे पर खड़ा है? खड़ा है ना, अरुणाचल में खड़ा है। और हम ये कह रहे हैं कि साहब हमसे पूरा विश्व डरता है, लेकिन आपको शायद एक बात मालूम नहीं है, चाइना भी जो है प्रधानमंत्री की तारीफ करती है। क्यों नहीं करेगी तारीफ?
तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान तब से ही बनती आ रही है। अब क्या कह रहे हो आप? यूँ कहोगे किसी प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं हुई? जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मोदी तक तारीफ होनी चाहिए। लेकिन कोई दुश्मन देश अगर तारीफ कर रहा है तो इसमें बहुत चौंकाने वाली बात। क्यों दुश्मन देश तारीफ क्यों नहीं करेगा? हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है भाई, और करनी भी चाहिए उसको। सवाल ये है कि जब कुछ बीजेपी कार्यकर्ता और कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री थे इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसपैठी जो आ रहे थे हमला कर रहे थे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही जवान जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, ये प्रधानमंत्री है इसीलिए? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो आपको पता नहीं बांग्लादेश बन गया, ये भी तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हुआ था। फिर तो होगा तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाई। लेकिन कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद जवान ऐसा काम नहीं कर पाते। अब यूं तो मान ले कोई अंधभक्त ये कह दे कि ये प्रधानमंत्री नहीं होता तो दुनिया खत्म हो जाती। अरे भाई मेरे, ऐसा होता है? तुमने कभी सुना था देवगौड़ा जी यहाँ प्रधानमंत्री जी बनेंगे, गुजराल साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? बने ना, आज भी देवगौड़ा जी तो आज भी जिंदे हैं भाई। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, किसने दिया है? जो भारत की जो सेना है, सबसे बड़ी आबादी देश के अंदर है तो किसान है। अदानी का अंबानी का बेटा तो नहीं है? भारत टाटा अंबानी का देश नहीं है? जो बॉर्डर पे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, नो डाउट दे रहा जवाब, लेकिन किसका बेटा है वो? वो उस किसान का बेटा है जिसने धरती का सीना चीर के उसमें फसल पैदा की। लेकिन आपको ये बात मानना होगा कि प्रधानमंत्री के 56 जीतने की वजह से ही जो उत्साह आया है, जो जागरूकता आई है जवानों में, उन्हीं की वजह से। सब कुछ झूठ है, ड्रामा बाजी, पूरे देश के चक्कर काट रहे हैं प्रधानमंत्री और कह रहे हैं हमारा देश सबसे आगे। आज के देश, आज के युग में टाइम इज मनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम इज मनी। अगर विदेश का प्रधानमंत्री, अच्छे का प्रधानमंत्री यहाँ आता है और उससे वाराणसी का तीन घंटे उसके साथ खा रहा है, डुबकी लगा रहा है, तो वो कहता है किस अब बुलेट ट्रेन की बात को, जिसके पास 3 घंटा नहाने के लिए, जिस देश के प्रधानमंत्री पास 3 घंटा नहाने के लिए समय है, एक दो दिन ऐसा क्या वो इंसान नहीं है क्या? क्या पूरा देश सवा एक तस्वीर नहीं देखे जिसमें हवाई जहाज के प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चाहतारा को, ये सब कुछ ड्रामा है, कंप्लीट नाटक है। 4.5 लाख का सूट नहीं करता के काम में अपने काम क्यों चीन आज हम देश के अंदर नहीं क्यों ये सब कुछ गलत है? कभी माँ क्यों कर रहे? जो आदमी अपने परिवार को छोड़ दिया, जिस हमारी बीवी को नहीं पाल सका, जो अपनी माँ को छोड़ के यहाँ बैठा है और 90 साल की माँ के लिए मार्केट की मार्केटिंग कर दी, जो नोटबंदी में अपनी 90 साल की माँ को लाइन में लगा खड़ा कर दिया, उसको भी नहीं बख्शा, जिस माँ ने उसको 9 महीना पर पेट में रखा। नहीं, आप लोग सही कह रहे हैं, अगर माँ के लिए कुछ करें तो कहेंगे माँ के लिए करते हैं, नहीं कर रहे। क्यों मार्केटिंग की अगर क्या ड्रामा? सच्चाई के लिए, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, ये ड्रामाबाजी तो है। अब कभी आप राम मंदिर की बात, क्या राम मंदिर से, राम मंदिर बनाने से क्या विकास होगा देश का? रोडों के नाम बदलने से दिल्ली में क्या विकास होगा देश का? शहरों को नाम बदलने से क्या विकास होगा देश का? नहीं, मस्जिद से, मैं मस्जिद की भी नहीं कह रहा, क्या फायदा? इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया, जिसको पैसे को अच्छी यूनिवर्सिटी बनते है, ये गलत बात, देश बड़ा है, गलत बात। नो, मैं खंडन करता हूँ इस बात का, देश बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं है। गलत बात, धर्म के नाम पर देश का बेड़ा गर्क कर दिया जिस प्रधानमंत्री ने, क्या आप उसकी कहते हो? क्या 56 इंच का चीना क्यों नहीं लगता चीन से? 40 किलोमीटर दबा लिया चीन हमारे देश की धरती जमीन, क्यों नहीं लगता? पाकिस्तान से उत्तम है, उसकी भी लड़ाई लड़ता है। क्या पाकिस्तान में जितनी हमारी आर्मी उतनी तो वहाँ की टोटल जनरल चले? क्या हम एक छोटे से विकलांग आदमी से हम लड़ लेते, हम बहादुरी, हम किसी कुष्ठ आदमी से लड़ाई लड़ते तो हम माने? पाकिस्तान क्या है हमारे आगे? क्या है पाकिस्तान की बात करते हैं हमेशा तो किसानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब माँ के ये सब गलत है। 4.5 बेचने वाला 4.5 लाख का सूट कहने का? क्यों नहीं, दिक्कत नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री जिस वक्त मरे थे ताशकंद से, उसका इंतकाल हुआ था और वो यहाँ पर वापिस जब इंडिया आए, सोवियत के विमान से वापिस जब आए, उस वक्त उसके घर में मात्र 2 जोड़ी कपड़े थे, 1 जोड़ी चप्पल थी। आज उसका नारा आज भी है ना, भारत का किसान जिंदाबाद और भारत का जवान जिंदाबाद। अदानी अंबानी की तो कोई नहीं कह रहा,
दो गुजराती, दो गुजरात देश को हवाले खतरा बेरा गर्क हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके दबाव में ले लिया उसने, अगर कोई जज अच्छा न्याय करता है तो उसको मरवा देते हैं। अरे कितना आप देखा आपने उस वक्त चार सुप्रीम कोर्ट के चार जज बाहर आए, तो ये देखो वहाँ मोदी जी की ये सब गोदी मीडिया वो लोग खरीद रहे हैं, मीडिया को पर सब लोगों ने खरीद रखा है। इस तरह हराएंगे, इस तरह हराएंगे जो उसको ये पता चले कहाँ कोई किस किसान को बेरा गर्क किसने किया है, सारे 700 किसान शहीद कर दिए हैं और काले कानून तब हुआ किस लिए, ऐसा जवाब देंगे 2024 में उसको, ऐसा जवाब देंगे जो उसको याद रखा कि जनता है। अभी एक लड़की ने कहा था या तो किसान को ये काम पूरा हो जाए नहीं तो दिल्ली में जगह नहीं रहेगी, इतना किसान आएगा यहाँ पर, भारत का किसान दिल्ली के अंदर जगह नहीं रहेगी। आप लोग कह रहे हैं कि अगर वो ये नहीं होता तो वो तो राज किस तरह का कर रहे हैं पता है ना, किस तरह का राज कर रहे हैं, बार बार छप्पने घसीने की बात कर, वोट तो किसान डालेगा, उद्योगपति थोड़ी डालता है। आज तक क्या अंबानी अदानी को वोट डालने का पता है, वोट तो हम लोग डालते हैं, गरीब डालता है वोट, तो ये उद्योगपति वोट की कीमत एक चौक इतना ही बड़ा डकैत हो लुटेरा हो अगर उसने बटन दबा दिया और एक बहुत बड़ा नेता हो, कीमत 2024 में वोट की चोट देगा 100% समय बताएगा, नहीं समय बताएगा, कोई बात नहीं जनता है। आप लोगों का पूरी खबर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर।